सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? भाई लोग तो कितने टाइम से वेट कर रहे थे कि मैंने जो है इलेक्ट्रिक स्कूटी ऊपर कोई भी वीडियो नहीं डाली है, तो इसका रिव्यू नहीं किया है। तो आज हम चलते हैं इलेक्ट्रिक स्कूटी ऊपर, रन करते हैं इसका रिव्यू। एंड अब इस आपको एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए, ये हीरो इलेक्ट्रिक की स्कूटी। आज हम इसके ऊपर रिव्यू करेंगे ना, अपना जो ओपिनियन आफ्टर 1 मंथ के बाद वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो क्या क्या चीज़ें इसके अंदर जो मुझे अच्छी लगी हैं, क्या क्या बुरी लगी हैं, वो भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। एंड ये आप नैनस जो कि यहाँ पर अभी शांति से खड़ा है, इसका खड़ने का रीज़न पता क्या है? मैं यहाँ पर इसको अभी चला नहीं रहा, रीज़न ये है कि इसकी सेकंड सर्विस का टाइम हो चुका है। तो जल्दी इसकी सेकंड सर्विस की वीडियो आने वाली है, हम कराने जा रहे हैं सेकंड सर्विस। एंड सेकंड सर्विस वाइज हम जो है गिव अवे करने वाले हैं, वो भी आपको बताएंगे उसी वीडियो में। जो आप सोच रहे होगे यार कितना टाइम होगा भाई की वीडियो नहीं आ रही है, तो मैं बताऊँ तो कल दिवाली थी, तो दिवाली से पहले तो गाइस मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही थी, इस वजह से जो है वीडियो नहीं आ पा रही है। एंड आज जो मैंने सोचा ठीक है, मेरी तबीयत आपको मेरी आवाज़ में थोड़ा सा लग रहा होगा फ़र्क, यहाँ भाई की आवाज़ थोड़ी सी बदल गई है, तो आज उसी हम देखते हैं। जो है मैंने सोचा चलो मौसम भी ठीक है, चलो वीडियो भी बना दी जाए इलेक्ट्रिक स्कूटी के ऊपर। अब तो देरी नहीं करते, एक्चुअली गाड़ी डिमांड भी है, तो देरी और भी करनी क्या है, इलेक्ट्रिक स्कूटी ऊपर अपना क्या ओपिनियन शेयर करेंगे हम। मैं फिर से वापस आया हूँ क्योंकि मैं जो है इसका चार्जर भूल गया था। एंड ये रहा हमारा ननकाना चौक जिसको हम बोलते हैं, ये जो जाता है सीधा पटियाला बाईपास की तरफ जाता है। सो हाय गाइस, तो जैसे कि हम अपनी जो है जगह पे आ चुके हैं जहाँ पर हम अपनी ही जो हीरो इलेक्ट्रिक स्कूटरी है, अब जो हम इसका रिव्यू करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई एम सॉरी गाइस, तभी थोड़ी सी मेरी ख़राब है ज़रूर, और मैं कोशिश करूँगा आपको जो है प्रॉपरली समझा पाऊँ, क्योंकि ये जो है बिल्कुल डिफरेंट नई सी जो है चीज़ है मार्केट में जो लॉन्च हुई है टू व्हीलर में। एंड आपको पता ही है हमको जो आदत है शुरू से वो है पेट्रोल की बाइक की, एंड ये जो है बिजली वाली है, आप देख सकते हो जो कि बिजली से चार्ज होकर आपकी ये गाड़ी चलती है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आप बात करें इसके लुक्स की, तो डिज़ाइन यहाँ पर लुक्स आप देख सकते हो इसका जो लुक्स का है, देखने में ये गाड़ी बिल्कुल नॉर्मली लगती है जैसे नॉर्मल स्कूटी हो, बट यहाँ पर जो फ़र्क पहचाना जा सकता है, एक तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक की बैजिंग मिली हुई है, एंड यहाँ पर जो है इसकी इंजन नहीं है, यहाँ पर इसका जो मोटर है, ओके, इससे आप पहचान सकते हो ये जो है इलेक्ट्रिक स्कूटरी है। अदरवाइज़ अगर जो नॉर्मल पर्सन हो, जिस नॉर्मल बंदा हो जिन्हें फ्रंट से देखी है, तो उसको ऐसे लगेगा जैसे कि यहाँ पर एक नॉर्मल स्कूटी जा रही है। तो बिल्कुल आपको चलाने में देखने में तो ऐसी लगेगी नहीं कि जो है आप इलेक्ट्रिक स्कूटी चला रहे हो, और थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर चलाने में आ जाता है जब इसकी साउंड नहीं आती। तो लुक्स वाइज आप देख सकते हो, यहाँ पर फ्रंट की साइड यहाँ पर बात करें सबसे पहले, तो यहाँ पर आपको जो है सारी बॉडी इसकी प्लास्टिक की मिल जाती है, ओके, आपको सारी बॉडी प्लास्टिक की मिल जाती है। ये जो है एसेसरी है ये जो है मेटल की है, बाकी बॉडी जो प्लास्टिक की है। एंड आपको फ्रंट में कुछ ऐसा डिज़ाइन मिलता है, यहाँ पर आपको जो है एक हैलोजन बल्ब मिलता है, मैंने यहाँ पर अपनी मर्जी से कस्टमाइज एक LED बल्ब लाया, पार्किंग आपको एक हैलोजन पार्किंग बल्ब मिलता है, यहाँ पर आपको LED एक हेडलाइट मिलती है, आपको एक बार चला के दिखा देता हूँ। ये रही LED इसकी जो है, काफ़ी बढ़िया थ्रो है नाइट में इसके LED का। और साथ ही हम यहाँ पर बात करें नीचे की तरफ, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक की एक हीरो इलेक्ट्रिक की बैजिंग मिल जाती है, यहाँ पर आपको नंबर प्लेट मिल जाती है, ये जो है गाइस ऑन रोड आपको पड़ती है। यहाँ पर आपको नॉर्मल जी आपको एक हैलोजन बल्ब मिलते हैं, ओके, यहाँ पर आपको जो है हैलोजन बल्ब मिलते हैं, दोनों की साइड आपको इंडिकेटर्स। नीचे की साइड बात करें यहाँ पर आपको जो मिलता है एक बम्पर मिलता है, एंड यहाँ पर आपको जो ट्यूबलेस टायर मिलते हैं, ओके, टायर भी अलॉय, बात करें यहाँ पर अलॉय मिलती है। और फ्रंट की साइड आपको जो है ड्रम ब्रेक मिलती है 130mm की, आपको यहाँ पर है जो ड्रम ब्रेक मिलती है। और यहाँ पर आपको जो सस्पेंशन की बात करें, यहाँ पर आपको सस्पेंशन में हीरो इलेक्ट्रिक की बैजिंग मिलती है, और यहाँ पर जो है आपको टेलीस्कोप सस्पेंशन मिलता है जो कि गाइस आपको बढ़िया कंफर्ट प्रोवाइड करता है, ओके। एंड यहाँ पर हम साइड की तरफ बात करें, यहाँ पर आपको हीरो इलेक्ट्रिक की बैजिंग मिल जाएगी, एंड ये जो है अगेन आपको यहाँ पर प्लास्टिक की यहाँ पर बॉडी मिलती है। एंड उसके पीछे पीछे हम यहाँ पर आके बात करें तो यहाँ पर हैंडल और मीटर क्लस्टर में आपको क्या क्या मिलता है, सबसे पहले यहाँ पर आप मीटर का यहाँ पर एनिमेशन देख लीजिए, ओके, यहाँ पर जो मीटर आपको ऐसे मिलता है, यहाँ पर आपको सबसे पहले मीटर में बात करें, यहाँ पर आपको जो रेस का मिल जाता है कितनी में अपनी गाड़ी भाग रही है, यहाँ पर आपको बैटरी का मिल जाता है, यहाँ पर आपको जो है कितने किलोमीटर अभी तक रन हुई है उसका मिल जाता है, और यहाँ पर आपको ऑडोमीटर ट्रिप दोनों मिलते हैं। और इधर की साइड बात करें यहाँ पर आपको जो है इंडिकेटर का साइन मिलता है, एक राइट एक लेफ्ट, ओके, ये बढ़िया बात है। आपको यहाँ पर स्प्रिट मिलते हैं क्योंकि एक होते हैं तो आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कौन सा इंडिकेटर आपका चल रहा है, इससे आपको बढ़िया मिल जाता है। और यहाँ पर स्विचिंग की बात करिए, आपको जो है
एलईडी जो है हेडलाइट, यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्विच मिल जाता है, यहाँ पर आपको जो चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है जो कि नॉर्मल यूएसबी चार्जिंग पोर्ट है, और उसके साथ बात करें यहाँ आपको हाई बीम, लो बीम, एक हॉर्न, एक बार आपको हॉर्न सुना देता हूँ। ओके, हॉर्न आपको यहाँ आपको बढ़िया मिलता है, और यहाँ पर आपको इंडिकेटर राइट और लेफ्ट। हाँ, यहाँ आप ये एक बात कहोगे कि इंडिकेटर का स्विच है भाई ऊपर होना चाहिए हॉर्न का नीचे, तो मुझे पता नहीं है कंपनी ने क्या सोच के इसका जो हॉर्न का स्विच है ऊपर दिया और इंडिकेटर का नीचे। तो मुझे काफ़ी बार प्रॉब्लम उसको नया नया चला रहा था तब मुझे फेस हुई थी, तो अभी तक बताऊँ अब इसकी आदत हो चुकी है तो इतनी दिक्कत नहीं आती है। तो ओके, आगे आपको ये भी समझाऊंगा इसकी बैटरी कैसे पता लग जाए कि बैटरी कब ख़त्म होने वाली है, कब इसको चार्जिंग करने की जरूरत है, आपको ये भी बताऊंगा। और सबसे पहले ये बात करें इसके साथ यहाँ पर आप मीटर दे सकते हो, यहाँ पर आपको मीटर यहाँ पर आपको साइड मिरर मिल जाते हैं दोनों की तरफ, आपको विजिबिलिटी साइड मिरर की ठीक ठाक मिल जाती है, ज़्यादा बढ़िया नहीं कह सकता, और यहाँ पर आपको जो रेस मिल जाती है। ये जो गाइस अगर आपने जैसे कि आपने इग्निशन की ऑन करी ये तुरंत चलने के लिए स्टार्ट हो जाती है, जैसे मैं यहाँ पर रेस दबाऊंगा, यहाँ पर आप मीटर की तरफ ध्यान देना। ओके, ये जो मैक्सिमम गाइस जाती है 52 तक, अभी जो बैटरी थोड़ी कम चार्ज इसी वजह से 51 तक जा रही है, तो मैक्सिमम ये 52 तक ही जाती है। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और उसके साथ बात करें यहाँ पर बूट स्पेस की, तो नीचे की तरफ आप बूट स्पेस देख पा रहोगे, तो यहाँ पर एक बार आपको दिखा देता हूँ हेलमेट रख के, तो देख पा रहोगे आपको बूट स्पेस यहाँ पर बढ़िया मिल जाती है, तो इतनी दिक्कत नहीं है, मेरा हेलमेट अब पूरा आराम से आ चुका है। और पीछे की तरफ बताएं इसके बाद पीछे भी इतनी जगह बच जाती है, तो एटलीस्ट आप एक जगह आराम से पैर रख पाओगे, दूसरी तरफ पैर आप यहाँ भी रख सकते हो, पर इतनी ज़्यादा बूट स्पेस आपको चाहिए, बट नहीं, मुझे लगता है कि हाँ ठीक है ऑफ रोड कर लेती है, बढ़िया मैनेज हो जाता है इसमें ही। और उसकी तरफ हम पीछे की बात करें, यहाँ पर आपको ऑप्टिमा की बैजिंग मिल जाती है, और ये HX मॉडल है इसमें, इट मीन्स ये जो ऑन रोड आपको पड़ता है यहाँ पर आपको जो थोड़े से ग्राफिक मिल जाते हैं, अगेन प्लास्टिक बॉडी। और उसके साथ एक और बात जो कि आपको मैं बताना भूल गया, तो नीचे की तरफ यहाँ पर हम बात करें चार्जिंग सॉकेट, ये गाइस ये रहा अपना B1 B2 एंड ये रहा एक और सॉकेट चार्जिंग, तो टोटल यहाँ पर आपको 3 चार्जिंग सॉकेट मिल जाते हैं। एंड बात करें B1 B2 चार्जिंग सॉकेट के, तो ये जो चार्ज सॉकेट मिलते हैं ये आपको मिलते हैं लिथियम बैटरी के, और बीच में जो ये सॉकेट आप देख पा रहे होगे ये जो बैटरी है गाइस लेड का ये सॉकेट है, तो मैं आपको बताऊँ मेरे पास जो लिथियम की बैटरी है तो यहाँ पर मुझे लिथियम सॉकेट मैं यूज़ करूँगा, लेड का मत यूज़ करना, अगर आपके पास लेड की बैटरी हो तब इसको आप यूज़ करना, अदरवाइज़ आपके पास लिथियम की है ये जो दो सॉकेट आपके काम आएंगे। एंड इसके अंदर बता दूँ इसके अंदर दो बैटरियाँ मिलती हैं आपको, दो लिथियम बैटरी डली हैं, वो भी आपको दिखाऊँगा आगे जाके। एंड आगे हम बात करते हैं इसकी सीट की, तो यहाँ पर आपको सीट की कुशनिंग में आपको कहूँगा ठीक ठाक मिलती है, शुरू में बात करें जब मैं इसको नया नया लेके आया था तब मेरे कमर में काफ़ी दर्द करती था, इसकी सीट की कुशनिंग बताऊँ तो काफ़ी ज़रा मुझे बताऊँ तो हार्ड है यार, तो कंफर्टेबल तो मैं ठीक ठाक कहूँगा, अगर मैं इसको 5 में से नंबर दूँ, 5 में से इसके मैं 1.5 नंबर दूँगा सीट की कुशनिंग के, ठीक ठाक सी सीट है। और आप जब ब्रेक लगाते हो तब आपको जो है आपकी जो क्या कहते हैं बैठे होते ना तब आगे की तरफ आ जाते हो, ठीक ठाक होगा इसका सीट का डिज़ाइन, मुझे लगता है कंपनी को उसको और इम्प्रूव करना चाहिए। और यहाँ पर बात करें यहाँ पर आपको बढ़िया सा जो है मिल जाता है हैंडल क्रैब, ये बढ़िया काफ़ी मस्त बिल्ड क्वालिटी का, यानी ये आपको मैट फिनिशिंग में और मेटल का मिलता है, ये मैं कह सकता हूँ काफ़ी बढ़िया है। और इसी की तरफ बात करें यहाँ पर आपको जो है फुट रेस्ट मिल जाती है, एंड यहाँ पर आपको साइड स्टैंड और सेंटर स्टैंड मिल जाता है इसकी तरफ। और आगे हम बात करते हैं इसकी बूट स्पेस की, नॉर्मल स्कूटी की तरफ यहाँ पर एक बूट स्पेस इसके एक्सेस कर पाओगे, यहाँ पर की लगाई ये रही आपकी बूट स्पेस। ओके, और ये रही एक B2 बैटरी, इसकी नीचे है गाइस B1 बैटरी, वो आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए ये जो है कि इसकी की है, ओके इसका एक स्विच है तो MC, इसका क्या होगा अगर आप इसको अभी जो है ऑफ होगी, अगर आप की डालोगे इसको ऑन करोगे तो ऑन नहीं होगी जब तक आपने इसको ऑन इस स्विच को ओपन नहीं किया। एक इसका बताएं इसका एक किल स्विच है, ओके जब तक आप इसको ऑन रखोगे तो स्कूटी चलेगी, अगर आपने इसको ऑफ कर दिया की लगाने के बाद भी स्कूटी चली गई नहीं। अभी मैं अकेले इसको ऑफ कर देता हूँ। एंड एक स्विच आपको यहाँ पर दिए रखा है, पहले मैं आपको बैटरी के बारे में समझा देता हूँ फिर इस स्विच में आपने समझेगा इसका काम क्या है। ओके, यहाँ पर बात करें इसके अंदर जो है गाइस दो चार्जर आराम से आ जाते हैं, इसकी बूट स्पेस इतनी की आपको मिलती है, आप देख पा रहे हो ये जो गाइस इसका चार्जर है इसका, इससे ये चार्ज होती है बैटरियाँ। और आपको एक और बढ़िया बात बताऊँ इसके अंदर आपको एक तो चार्जर गाइस आपको यहाँ पर मिल जाता है, आपको एक ऑप्शन यहाँ पर मिल जाती है चार्जिंग लगाने की, और दूसरी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलती है, एक बार मैं इसको साइड कर देता हूँ, दूसरी ऑप्शन गाइस आपको चार्जिंग लगाने की इसके अंदर मिल जाती है बैटरी को,
आप अगर आपको स्कूटी बाहर लगानी है चार्जिंग में, तो आप आराम से इस सॉकेट से लगा सकते हो। अगर आपको अंदर लगानी है, इसका सोल्यूशन दिया हुआ है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से जो है इसका प्लग आउट करना है। एक मिनट, इसको मैं साइड कर देता हूँ। यहाँ से आपने प्लग निकालना है। ओके, प्लग निकालने के बाद आपकी बैटरी गाइस ये बाहर आ जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पर जो मैंने इसकी बैटरी निकालनी है, काफ़ी ज़्यादा सॉलिड बैटरी है ये, जो है लिथियम बैटरी है। अब यहाँ पर पढ़ लो एक बार। ओके, लिथियम। ओके, लिथियम बैटरी है, एंड ये जो बैटरी है गाइस 51 वाट की है। और साथ ही बात करें, काफ़ी बढ़िया बैटरी है। एंड उसके साथ बात करें, ये रहा इसका चार्जिंग सॉकेट। अगर आपको ने इसको अंदर चार्ज लगाना है, तो आप आराम से अंदर भी चार्ज लगा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, यहाँ पर बूट स्पेस की बात करें, बूट स्पेस आप यहाँ पर अब एक बार देख लीजिए। इसकी जो बूट स्पेस आपको ऐसी मिल जाती है, इधर की तरफ आपको जो मिलते हैं दो, इसके इधर की तरफ आपको यहाँ पर बैटरी के मिल जाते हैं। सिंपली आपको जब बैटरी चार्ज होगी, इसके अंदर आपको प्लग एंड प्ले करना है, तो आपने प्लग लगाई, बैटरी आपकी चलने के लिए रेडी हो जाएगी। और नीचे की तरफ यहाँ पर बात करें, आपको यहाँ पर B1 बैटरी मिल जाती है। B1 बैटरी, B2 बैटरी यहाँ पर डलती है, दो बैटरी हुई है आपके ऑप्शन है। सेम यहाँ पर इसके अंदर आपको यहाँ पर जो है चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको इसको भी अंदर चार्ज लगाना, तो निकाल के बैटरी आराम से चार्ज लगा पाओगे। इसको अंदर डालने के बाद बूट स्पेस इतनी रह जाती है। आराम से आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है, जैसे कि आप देख रहे हो, ओके, यहाँ पर मैंने बैटरी निकाल रखी है, और मैं बैटरी अंदर डालता हूँ। अंडर डालने के बाद आपने प्लग निकालना है, प्लग लगाना जो निकला हुआ आपकी बैटरी का। प्लग लगाने के बाद यहाँ पर एक टूटू सी बाजने की, इट मींस जो आपकी बैटरी है रेडी फॉर यूज़ हो चुकी है, आपको बता दी गई। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर बताया था कि ये स्विच के बारे में आपको बताऊँगा, तो मैं यहाँ पर की निकालता हूँ। एक बार मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर 52V लिखा हुआ है। ओके, इट मींस ये 52 वॉट की जो बैटरी है, अभी तक ये चार्ज है, इसके अंदर चार्ज पड़ा है। तो अब जो मैं इसको स्विच को दबाता हूँ, और यहाँ पर आप देख लीजिए मीटर में, मैंने स्विच को दबाया, इसकी जो बैटरी है 53 हो गई। इट मीन्स इसकी जो अभी जो बैटरी लगी हुई थी, ये स्विच अभी जो स्विच दबाने और करने के बाद अभी जो लगी हुई है बैटरी, ये वाली लगी हुई है। अगर मैं स्विच को ऐसे कर देता हूँ, जो बैटरी है अपनी B1 लग जाती है, इधर करने के बाद B2 बैटरी स्टार्ट हो जाती है, और इधर करने के बाद अपनी जो B1 बैटरी है वो स्टार्ट हो जाती है। अब आपको समझाता हूँ इसकी बैटरी फुल चार्ज कब होती है। जब फुल चार्ज होने के बाद इसकी बैटरी की जो वोल्टेज होती है, यहाँ पर 53 वोल्ट दिखाता है फुल चार्जिंग में। अगर जब ख़त्म हो जाती है बैटरी, तब आ जाती है 49 पे। तो आप समझ लेना कि जब आपकी बैटरी 49 आ जाए, तब आपकी जो बैटरी है वो चार्ज होने की जरूरत देख पा रहे। यहाँ पर सेल्स का बिल्कुल भी कुछ मैटर नहीं है, जस्ट ये आपको बताता है कितना बैटरी में लोड पड़ा है, तो कितना लोड आगे उठा सकती है। ओके, मेन जो वोल्टेज है यहाँ पर आप देख पा रहे, यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया। एंड ये जो चार्जर है, आपको दिखाएं एक बार, आप देख लीजिए, ये जो चार्जर की पिन है इसकी है, एंड इसके अंदर जो आराम से डल जाता है, और आपकी बैटरी है वो चार्ज होनी शुरू हो जाती है। ओके, सेम यहाँ पर आप कर पाओगे, सेम आप ये जो है इसके अंदर भी चार्ज लगा सकते हो। ओके, तो पीछे की तरफ बात करें, फटाफट से पीछे की तरफ बात करते हैं, और आपको आगे बताते हैं मेरा क्या ओपिनियन है इसके साथ, और कितनी इसकी रेंज मिलती है बैटरी की। तो पीछे की बात की, आपको दोनों इंडिकेटर आपको हैलोजन मिलते हैं, यहाँ पर हैलोजन आपको टेल लाइट मिलती है। एसेसरी में आपको कुछ भी है फुटरेस्ट वैसा नहीं मिलता, जो लेडी फुटरेस्ट होती है, यहाँ पर सिर्फ आपको सिर्फ नॉर्मल ही फुटरेस्ट मिलती है। ओके, दोनों की तरफ, और पीछे की यहाँ पर आपको एक नंबर प्लेट जो लाइट है वो मिल जाती है। क्या कहते हैं इसको टेक्निकली, क्या नाम है इसका, मुझे अभी पता नहीं है, दिमाग में नहीं है। और दोनों साइड आपको राइट और लेफ्ट की साइड आपको रिफ्लेक्टर मिलते हैं। ओके, और यहाँ पर आपको जो है मडगार्ड का मिल जाता है पीछे की तरफ, जो कि आपको प्रोटेक्ट करता है डस्ट वगैरह और पानी वगैरह से। और यहाँ पर जो आपको रियर में, इसमें कुछ भी रियर में आपको जो मिलता है स्प्रिंग, थ्री टाइम एडजस्टेबल स्प्रिंग सस्पेंशन मिलता है, जो कि कंफर्टेबल में बोल सकता हूँ, बहुत ही बढ़िया कंफर्टेबल प्रोवाइड करता है, झटके बहुत ही कम महसूस करते हैं। यहाँ पर आपको टायर में मोटर मिलती है। ओके, ये जो मोटर है 53 वॉट की मोटर है, तो बैटरी 53 वॉट की, बैटरी भी और मोटर भी 53 वॉट की है। तो दोनों की अब हम परफॉर्मेंस की बात करें, तो मोटर आपको बढ़िया से आराम से, अगर किसी आपको ब्रिज में चलना हो, फ्लाई ओवर में चढ़ना हो, तीन बंदे लेके भी, तब भी आपको आराम से चढ़ा देगी। और इसकी टॉप स्पीड आपको बताऊं, तो जब आप प्रैक्टिकली चलाते हो इसको, तब इसकी जो टॉप स्पीड आती है 46 किलोमीटर तक ही जाती है अराउंड, जब बैटरी फुल चार्ज होती है। ओके, आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है, और रेयर की साइड में आपको जो है
ड्रम बेड मिलती है वो भी 130 mm की। दोनों में आपको जो इसमें जो आपको जो कंबाइन ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। ब्रेकिंग इसकी मैं ठीक ठाक कहूँगा, ज़्यादा बढ़िया नहीं कहूँगा, कंपनी को इसकी ब्रेकिंग पे और इसकी बॉडी पे काम करना चाहिए। ओके, अब जो बात करते हैं इसकी रेंज, तो मुझे इसकी एक बैटरी की रेंज मिलती है फुल चार्ज होने के बाद 60 किलोमीटर। ओके, 60 किलोमीटर प्लस चलती है, बट यहाँ पर आपको 60 किलोमीटर बताऊँगा। एक बैटरी फुल चार्ज होने के बाद 60 किलोमीटर चलती है, दोनों बैटरियाँ चलती हैं 120 किलोमीटर। ओके, इसमें दो बैटरी हैं तो दोनों 60-60 प्लस हो गया 120 किलोमीटर। एंड ये जो एक बैटरी जो चार्ज हो जाती है अराउंड 5 घंटे लेती है, अगर बैटरी पूरी फुल ख़त्म हुई हो तो 0 से लेकर 100 चार्ज होने में इसको 5 घंटे लगते हैं बैटरी को, और फुल ख़त्म होती है 60 किलोमीटर चलने के बाद। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर होती है, और बैटरी जितने में चार्ज होती है एक यूनिट में चार्ज होती है। यहाँ पर जो मेरा प्राइस है एक यूनिट का वो है 7 रुपये। ओके, अभी 7 रुपये चल रहा है एक यूनिट का, तो दोनों बैटरियाँ 14 रुपये में चार्ज हो जाती हैं, 14 रुपये में मैं 120 किलोमीटर अभी तक मैंने 120 किलोमीटर चलती हैं। अब बात करें तो इसकी रेंज और परफॉर्मेंस बैटरी की बात करें, आपकी जो फ्यूल का फ्यूल को बहुत ही बढ़िया बचाती है, क्योंकि आपको पता है अगर आपने बाइक में 60 किलोमीटर ट्रैवल करना हो तो उसमें आपको लग जाते हैं भाई 1 लीटर, आपको मान लो 1 या 1.5 लीटर लगते हैं, जिसमें आपका 100 या 180 का आपका पेट्रोल लग जाता है। बट इसमें आपको 60 किलोमीटर चलना है तो इसलिए आप इसमें सिर्फ आपका जो है 7 रुपये लगेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है यहाँ पर। बट आपको पता है इसमें आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा स्पीड की वजह से, इसकी स्पीड कम है, पावर कम है, और अगर आप मानो कि उसकी वजह से जो है कई लोग सोचते हैं भाई इलेक्ट्रिक बाइक का इसमें मज़ा नहीं है, हाँ इंजन साउंड नहीं है इस वजह से मज़ा नहीं आता, बट आपको धीरे धीरे आदत हो जाएगी एंड जब आपके पैसे बचते हैं फ्यूल के तब आपको ये बहुत ही बढ़िया लगेगी। ओके, और यही था आपको बताने के लिए, और यहाँ पर आपको बताऊँ यहाँ पर आपको एक और बताने भूल गया, यहाँ पर आपको एक बूट स्पेस मिल जाता है जो कि बहुत ही बढ़िया है। इसमें आप आराम से अपना फ़ोन वगैरह या फिर आप यहाँ पर आप फ़ोन चार्ज लगा के यहाँ पर रख पाओगे, कुछ भी अदर सामान रख पाओगे। यहाँ पर आपको एक हैंडल ग्रैब मिल जाता है जो कि आप अपने जो मार्केट में कुछ भी सामान लेने जा रहे हो तो यहाँ पर आप जैसे कि आप मुझे यहाँ पर देख लो कि मेरी कुछ हालत ऐसी हो चुकी है, तो जुकाम लगा हुआ है, तो अब मैंने जैसे आप मैंने पता जुकाम लगा तो फिर भी आपके लिए वीडियो रेडी कर रहा हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, एंड जो मैंने अपना पेनिंग आपको शेयर कर दिया है, तो अगर आप पूछो कि इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है तो मैं इसको बताऊंगा तो आपको 10 में से 5 नंबर ही दूंगा गाइस, तो 10 में से आपको इसको 5 नंबर ही मिलेंगे बिल्ड क्वालिटी में, क्योंकि प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी हल्की है, बट आपको इसको ध्यान से रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आप सोचो कि भाई मैं इधर मारूंगा उधर मारूंगा तब दिक्कत आ सकती है। ओके, तो मैंने अपना पेनिंग शेयर कर दिया कितनी चलती है, और काफ़ी वक्त बाद वीडियो डाली है क्योंकि मैंने आपको चाहता कि मैं आपको एक ऑनेस्टली रिव्यू दूँ ऑनरशिप ही वाला, तो जिससे आपको पता लगे हाँ भाई इसके क्या क्या दिखे, क्योंकि जस्ट मैंने खरीदी है अगले दिन इसका रिव्यू डाला तो वो बात नहीं बनेगी, क्योंकि एकदम नया सा प्रोडक्ट है मार्केट में चलाने के लिए। कुछ बंदे इसको अडेप्ट भी करेंगे, कुछ बंदे इसको नहीं करेंगे, तो इस वजह से जो है मैंने सोचा चलो आफ्टर एक मंथ के बाद इसका रिव्यू डालते हैं, इसमें क्या क्या दिक्कतें मुझे आई हैं। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मैंने अपना ऑनरशिप रिव्यू भी दे दिया एंड साथ में आपको बता दिया क्या क्या इसमें दिक्कतें आती हैं। और हाँ, एक और दिक्कत थी जो मुझे आफ्टर 1 मंथ के बाद आई थी, वो थी इसके चार्जर में, बट वो भी जो है सर्विस वालों ने एक दिन में मेरा सॉल्व कर दिया। हाँ, थोड़ा सा मुझे लगा कि सर्विस इनको इम्प्रूव करनी चाहिए अपनी, क्योंकि ये बंदे का काफ़ी ज़्यादा घेरा लगवाते हैं, मीन्स फिर बुलाते हैं फिर छोड़ते हैं फिर बुलाते हैं फिर छोड़ते हैं, तो एक दिन में इनको जो है बंदा जब एक कस्टमर आपके पास आता है तो एक टाइम पे उसको सॉल्व कर देना चाहिए, ना कि इसको दोबारा बुलाएं अलग टाइम पे, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लगता है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़िया करनी चाहिए इनको। बट अदरवाइज़ हम बात करें यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर आपने देख ही लिया तो बढ़िया काम करती है, आपका फ्यूल काफ़ी हद तक ये बचा देती है। तो मैंने आपका यहाँ अपने यही था शेयर करना कि आपको बताया जाए हीरो इलेक्ट्रिक स्कूटरी है तो कैसा यहाँ पर परफॉर्म करती है। जाते जाते एक और बात करना चाहूँगा कि चैनल को गाइस सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारी जो NS की है ना अपनी फर्स्ट सर्विस की वीडियो सेकंड सर्विस की वीडियो आने वाली है, एंड इसकी सेकंड सर्विस में आपको एक बढ़िया सा बिग सरप्राइज मिलेगा जो कि हमारा गिव अवे होने वाला है, वो आपको मैं सेकंड सर्विस वीडियो में बताऊंगा। जाने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप वो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि वो सरप्राइज़ बिल्कुल बढ़िया बड़ा होने वाला है, उसके अंदर हम बड़ी चीज़ है वो गिव अवे करने वाले हैं जस्ट फॉर एक 1K होने की सेलिब्रेट में। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड पीस।